अगली बड़ी खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं। आपको बता दें बंटी हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अवैध देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तौल भी बरामद हुआ। वहीं साथ ही 20 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि वारदात में इस्तेमाल कार बरामद हो गई है। प्रेम विवाह से खफा युवती के ताऊ ने ये हत्या की थी, जिसके बाद अब बता दें कि बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 जिंदा कारतूस वारदात में इस्तेमाल जो कार है वो भी बरामद कर ली गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बंटी हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके। आरोपी के घर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। 20 जिंदा कारतूस वारदात में इस्तेमाल, इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रेम विवाद से खफा युवती के ताऊ ने यह हत्या की है, इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम दिया गया था तो उसमें हमने अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जो खुलासा हुआ है, जो कि शक भी था, यही जो एफ आई आर में जो कंटेंट है कि जो मरने वाला है उसने एक लड़की से उसका प्रेम विवाह हुआ था कुछ सालों पहले, और ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। तो जो लड़की है, लड़की के परिवार वाले इस बात से रंजिश करते थे, और उन्होंने पहले भी जैसा बताते हैं कि उन्होंने थ्रेट दिया था। हमारे पास अब तक वैसे सूचना नहीं थी इनकी कभी कि आपस में कोई रंजिश है, बट इसके तहत ही जो लड़की का जो चचेरा भाई है उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो हमने कुल मिला के चार वेपन है, 3 कट्टे और 1 देसी पिस्तल और 20 जो लाइव एम्युनेशन है, 2 खाली खोल और जो कार जो वारदात में यूज हुआ था वो हमने बरामद किए हैं।